hello everyone and welcome to itls academy empower the youth today in this lecture we will going to study about production system of pet bottle filling lines so in the previous lecture we have discussed about the glass bottle filling lines we have also discussed about what is production system what is glass bottle filling lines and we have discussed the operations that are involved in the filling of any beverage in the glass bottles we have also discussed about how the glass bottles are washed and what are the percent of caustic soda at what different temperatures the rinsing of bottle or washing take place so in this section we will going to study about pet bottle filling lines so, let's quickly see what is PET bottle filling lines. PET bottle filling lines include the bottle sizes or design for just one bottle size. PET bottles are blow molded directly onto the filling lines. The latest philosophy is to buffer the bottles between units. For small bottles up to 500 ml capacity, this is a primarily done with an empty bottle silos holding several hours production. with list for large bottle they are either buffered on one line with a bottle accumulator of order 10 minimum, 10 minimum capacity or bottles are palatalized or, and then depalatalized onto the filling lines. During the early 1980s, filling lines had the blow molder feeding either a cell or a pelletizer. The filling lines would on 21 bottles run at 8000 bottles per day on two ships. Starting, let us discuss what is pet bottle filling lines. सो so, अब पेट बॉटल फिलिंग लाइंस क्या होती हैं तो जो बॉटलिंग लाइंस होती हैं किसी भी पेट कंटेनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है इन बेवरेज पैकेजिंग मटीरियल अब रीज़न क्या है पेट बॉटल्स uh, का यूज़ करने के लिए वॉट इज़ द रीज़न सो द बेसिक रीजन और द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जो पेट कंटेनर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं ये एक्सट्रीमली लाइट होते हैं और ये हैं ईजी टू हैंडल होते हैं सेकेंड अगर हम इसका रीज़न देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं और टफ़ होते हैं तो ये जो जिस जो इस तरीके के बेवरेज होते हैं वो आ, दिस बॉटल्स होते हैं दैट इज पेट बॉटल्स ये इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है टू तो द बेवरेज इंडस्ट्री अगर तुम रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है तो जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर्ड होता है सेकेंड है जो इसकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है और इसका जो पेट uh, बॉटल्स का जो यू नो सेल प्राइस होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है अब जो पेट कंटेनर्स होते हैं ये क्या करता है ये जो बेवरेज है इसको प्रोटेक्ट uh, करता है जितनी टाइप की बेवरेजेस हैं वेदर वो कार्बोनेटेड बेवरेज हो वेदर वो नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज हो तो ये बेसिकली क्या इन्वॉल्व कर, करता है ये इन्वॉल्व करता है एक तरीके की यू नो प्रोटेक्शन टू पर्टिकुलर बेवरेज सो so, ये होता है पेट बॉटल्स बेवरेज की अगर हम इसकी प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट बॉटलिंग फिलिंग मशीन्स आर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज होती है इन फिलिंग ऑफ एनी यू नो बेवरेज अब बॉटल फिलिंग मशीन्स जो होती है ये क्या होती है दे आर एम्प्लॉयड फॉर फिलिंग बेवरेज इन टू द बॉटल और उस Uh, मतलब कि जिस मशीन के थ्रू uh, आपकी बेवरेज किसी भी बोतल में या किसी भी कैन uh, में या ग्लास बोतल या पेड बोतल में यू uh, नो you know, फिल की जाती उसको कहते हैं हम बॉटल फिलिंग मशीन बॉटल फिलिंग मशीन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट मशीन टूल होती है फॉर द पैकेजिंग प्रोसेस और नाउ लेट सी दी ऑपरेशन अब हम ऑपरेशन की अगर बात करें तो जो पेट बॉटल फिलिंग लाइंस हैं इसमें मतलब एक इंक्लूड करता बॉटल साइज को उसमें फिलिंग होती है सबसे पहले क्या होता है कि जो पेट बॉटल्स होते हैं इनको हम लोग ब्लो मोल्ड करते हैं और फिर उसको फिलिंग लाइंस पे डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं बट अगर हम लेटेस्ट फिलासफ़ी की बात करें लेट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो बफर बफरिंग ऑफ बॉटल्स इज डन बिटवीन द यूनिट्स अगर स्मॉल बॉटल्स की बात करें पेड बॉटल्स की तो 500 हंड्रेड कैपेसिटी होती है उसकी तो उसमें क्या करते हैं कि जो एम टी बॉटल हैं उसको साइलोस होल्डिंग पे यू uh, नो you know, uh, जो साइलोस होल्डिंग है सेवरल आर के लिए वहाँ पर उसको प्लेस करते हैं और जो लार्ज बॉटल्स होती हैं उनको या तो बफर करते हैं ऑनलाइन uh, मतलब या तो जो बॉटल एक्यूमलेटर होता है या तो उसको पैलेटलाइज कर देते हैं और फिर उसको डीपेलेटाइज कर देते हैं फिलिंग लाइंस के लिए स्मॉल बॉटल्स को कर देते हैं फॉर सेवरल बट अगर large bottles हैं 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 तो 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 उनको या तो बफर करते हैं, हम या करते तो करते फिर उसको करके देन करते हैं, फिलिंग में अगर हम early, 1980s की बात करें जो फिलिंग लाइंस हैं उनको ब्लो मोल्डर फीडिंग करते हैं इधर एज पैलेटाइजर जो फिलिंग लाइन होती है वो आ, एक शिफ्ट में ट्वेंटी वन बॉटल्स रन होती है वो ऑन ट्वेंटी वन बॉटल्स अगर हम फिलिंग लाइन करते हैं तो एट थाउजेंड बॉटल्स पर डे यू नो फिलिंग होती है और ये टेक प्लेस होती है विद इन टू शिफ्ट देन कम्स ओवरऑल एफिशेंसी अगर बात करें ऑफ ब्लो मोल्डिंग की तो एफिशिएंसी है इसकी नाइन्टी परसेंट अगेंस्ट सिक्सटी परसेंट फॉर द फिलिंग लाइन्स इन टोटल तो इट हैज अ गुड एफिशिएंसी। देन कम्स एज द आउटपुट ऑफ ब्लो मोल्डर्स इनक्रीज फिलिंग टेंडेड टू हैव द ब्लो मोल्डर डायरेक्टली कपल्ड यूजिंग अ एयर कन्वेयर टू प्रोवाइड अ मिनिमल बफर तो हम लोग एयर कन्वेयर का यूज करते हैं टू प्रोवाइड अफर साइलोज आर डिजाइन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बॉटल बींग क्रश्ड तो साइलोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं वो मिनिमाइज करता है रिस्क को कि कोई भी बॉटल है क्रश्ड ना हो जाए साथ ही साथ जो साइलोज होते हैं ये अलाउ करते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉटल्स की बॉटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक क्या करते हैं विद इन द साइलोज ऑलमोस्ट कंप्लीट एमथिंग बीइंग पॉसिबल तो साइलोस में आप बॉटल की कंप्लीट एमटिंग भी पॉसिबल है देन कम्स बॉटल ऑफ एंड मोनोब्लॉग्ड टू द फिलर कैपर आर नॉर्मली रोटेटरी मशीन्स दैट इंजेक्ट द फिल्टर्ड वाटर इन टू द बॉटल इन अ प्रिस्क्राइब मैनर टू एंश्योर गुड रिजिंग ऑफ ऑल द बॉटल इंटरनल सरफेसिस तो क्या है कि जब बॉटल रिंजर का यूज़ करते हैं इसमें क्या था ये तो मोनोलॉग्ड होते, है, होते हैं मोनोब्लॉग्ड होते हैं टू द फिलर या कैपर और इसमें मेनली रोटेटरी मशीन्स को यूज़ करते हैं रोटेटरी मशीन क्या करते हैं जो फिल्टर्ड वाटर है जो ट्रीटेड uh, वाटर है, है वो इंजेक्ट कर देते हैं टू द बॉटल अब यहाँ पर वाई दे आर डूइंग सो जस्ट टू प्रोवाइड बॉटल फ्री फ्राम एनी टाइप ऑफ कंटे कंटेमिनेशन मतलब जो वाटर बॉटल है उसको रिंस करते हैं विद ट्रीटेड वाटर कि कोई भी बॉटल में रेसिड्यू है वो रिमूव हो जाए बॉटल स्टेराइल हो जाए और फिर आपका जो प्रोडक्ट है जो आपकी बेवरेज है उसकी फिलिंग हो सके तो इसके लिए हम लोग रोटेटरी मशीन्स का यूज़ करते हैं और फिल्टर्ड वाटर को इंजेक्ट करते हैं इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर देन द बॉटल आर यूजली फेट टू द रिंजरवेड ऑन देअर नेक रिंग जो बॉटल है उसको रिंजर पे फेट करते हैं किसके थ्रू बाय एयरवेयर और जो नेक रिंग को सपोर्ट करता है।

पोजिशन द रिज विद द्री सेट साइकिल टाइम फॉर जेटिंग विद क्लीनिंग एजेंट अलाउड द स्टेराइल वाटर इंजेक्टिंग एंड ड्रेनिंग जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बॉटल्स को इस तरीके से रोटेट करते हैं कि वो वर्टिकल अपरा अपर्न पोजिशन में आ, प्लेस करते हैं और उसमें क्या करते हैं क्लीनिंग एजेंट को इंजेक्ट करते हैं स्टेराइल वाटर को इंजेक्ट करते हैं व्हाई वी आर यूजिंग ऑल दिस क्लीनिंग एजेंट एंड स्टेराइल वाटर जस्ट टू मेक द बॉटल फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ फॉरेन रेसिड्यू आफ्टर फिलिंग एंड बॉटल ड्राइंग द बॉटल्स आर लेबर देन एक बार बॉटल की वॉशिंग हो गई बॉटल इज क्लीन नाउ बॉटल में हम फिलिंग करते हैं अपनी बेवरेज को जो बेवरेज है वो फिल होती है उस पर्टिकुलर पेट बॉटल में अब जब फिल हो रही है तो देर आर चांसेस कि उसकी जो सरफेस है बॉटल का सरफेस है आउटर सरफेस देर आर चांसेस कि कोई बेवरेज वहाँ पर गिर जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं उसका फर्दर जो बॉटल है वो बॉटल की जब फिलिंग होती है उसके बाद बॉटल को हम ड्राई कर देते हैं ठीक आफ्टर ड्राइंग दी बॉटल अब क्या करते हैं बॉटल पे लेबल लगा देते हैं लेबल क्यों लगाते हैं जस्ट टू सी कि कौन से ब्रांड की वो प्रोडक्ट है कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है कौन सा उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं कौन से मैन्युफैक्चरर्स है बारकोड लगाते हैं तो ये सारी हम लोग उस लेबल पे ऑलरेडी प्लेस्ड होता है और वो हम बॉटल के वो सरफेस पे लेबल्ड कर देते हैं इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द बॉटल्स आर रिजिड ड्यूरिंग लेबलिंग एंड इन दैट हेड स्पेस प्रेशर हैज़ एक्यूरेटेड विद प्रोडक्ट कार्बोनेशन वैल्यू वॉल्यूम्स देन कम्स द कन्वेइंग सिस्टम अब कन्वेइंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स में फ़ोर मेन टाइप्स के कन्वेयर्स यूज होते हैं द फर्स्ट वन इज़ एयर एयरवेयर कन्वेयर्स सेकेंड इज साल्ट कन्वेयर्स थर्ड इज़ पैक कन्वेयर एंड फोर्थ इज़ पैलेट कन्वेयर्स तो कन्वेयर सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली फोर टाइप्स के अब हर एक कन्वेयर को लेट लेट डिस्कस इन डिटेल अब जो एयर कन्वेइंग कन्वेयर्स है तो एयर कन्वेयर्स हैव डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली सिंस दे फर्स्ट केम इनटू बीइंग थर्टी इयर्स अगो एयर कन्वेयर्स कन्वेज बॉटल दैट आर नेट सपोर्टेड बाय अप्लाइंग लो प्रेशर हाई वॉल्यूम एयर जेट टू प्रोवाइड द ड्रिविंग फोर्स टू कन्वे देम। The air pressure is generated by small centrifugal fans, which blow air into the rectangular duct that have lowers punched into the top and side faces. Due to the transport method, such system has a great design flexibility. The layout allow for the bottles to be conveyed above personal level to provide good access. एंड इंक्रीज प्रोडक्शन स्पेस सो अगर हम एयर कन्वेयर की बात करें तो एयर कन्वेयर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंटली टाइप ऑफ अ कन्वेयर जो बेवरेज uh, इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ये थर्टी ईयर्स से यूज़ होता चला आ रहा है जो एयर कन्वेयर है ये क्या करता है ये बॉटल को कन्वे करता है उसके नेक सपोर्ट से और इस पर बहुत ही लो प्रेशर अप्लाई करते हैं बट जो इसकी वॉल्यूम एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये क्यों होता है ये ड्रिव करता है प्रोवाइड करता है ड्राइविंग फोर्स टू कन्वे दम ड्राइविंग फोर्स को यूज करते हैं प्रेशर लो होता है वॉल्यूम एयर की हाई होती है तब बॉटल्स को कन्वे करी जाती हैं एयर प्रेशर इज जनरेटेड बाय अ स्मॉल फैंस तो अब एयर का प्रेशर कैसे जनरेट करेंगे बाय स्मॉल फैंस वो क्या करता है वो ब्लू करता है एयर को एक रेक्टेंगुलर ड में और इस तरीके से उसका और उसका जो लोवर्ड पंचड होता है इन टू द टॉप एंड साइड फेसेस अब क्या है कि ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट मेथड जो इसकी डिज़ाइन होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैक्सीबल होती है मतलब इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट फ्लैक्सिबिलिटी टू द ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैथड द ले आउट जो द ले आउट अलाउज फॉर द बॉटल्स टू बी कन्वेड अब लेवल टू प्रोवाइड गुड एक्सेस एंड इनक्रीज अ प्रोडक्शन स्पेस तो जो उसका आउट होता है वो क्या करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं गुड एक्सेस साथ ही साथ जो प्रोडक्शन स्पेस है वो उसको भी इट प्रोवाइड अ गुड एक्सेस टू दैट इंक्रीज प्रोडक्शन स्पेस देन कम्स दी दल्ट कन्वेयर्स द चॉइस ऑफ सैल्ट टाइप्स वेरीज विद एप्लीकेशन

सॉरी जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या है अगर ग्लास बॉटल है तो उस केस में स्टील स्लैट का यूज़ करेंगे बट अगर आपका मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट है मींस अगर आप पेट कंटेनर्स या पेट बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में प्लास्टिक सेल्टज़ यूज वाइटी ऑफ सप्लायर्स हैल्टीपल मल्टीसिटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल The key success is to ensure that conveyors are well designed and the belt is always controlled. Salt loop is modernization is necessary. तो iska jo success hai वो क्या है इसकी design इसका जो design है वो very well designed होता है और जो इसकी belt है is always controllable आप इस belt इसकी मतलब process को आप control कर सकते हो salt lube is modernization is necessity before packaging packaging to a cardboard trays or pad it is always necessary to wash the lubricant from the pad bottle to minimize the risk of stress cracking which is enhanced by the presence of solidified lubricant that is reactivated in a humid environment so up Uh, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग है टू स्टडी कि बिफोर पैकेजिंग इट इज़ नेसेसरी कि मतलब जो ल्यूब्रिकेंट्स हैं पेड बॉटल्स के पे उसको रिमूव कर दें उसको वॉश कर दें ऐसा क्यों करना ज़रूरी है क्योंकि टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रैकिंग कि देयर आर सर्टेन रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द क्रैकिंग ऑफ द पेड बॉटल्स तो दिस इज फॉर Uh, this is to minimize the risk of stress kick cracking. then comes the pallet conveyors. P the pallet conveyors needs to allow accumulation and are often designed with the slipping rollers or in short se section that transfer pallet from section to section. soft start is necessary requirement as otherwise the stretch wrap around the pallet will give, uh, loosen giving r raise to possible pallet collapse on those palletized load that are not well interlocked so this is about the pallet conveyor so this is the end of the lecture let's quickly discuss the type of quotients that are involved in this lectures so in exams they can ask you about the pet bottle filling lines they can even ask you about the operations they can even ask you about the operation. Second second thing is they can ask you about the conveying system. He explained the different types of conveying system. So you have to explain there are four types of conveying system. Second, they can ask you the definition of air conveyors. they can ask you about the cell conveyors, the choice of cell types, how the cell types are used and at the end they can ask you about the pallet conveyors so these are the questions that can be asked in the exams so i hope you have understood the lecture please don't forget to subscribe itls academy you can also visit our website that is www.itlsacademy.com this is our helpline number that is 7080833450. Please, uh, if you have any questions, so you can leave the questions on the comment section below. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Thank you.